अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, हमारा जो है रीडिंग चल रही थी हम लोगों की सेंस एंड सेंस ऑर्गन्स पेज नंबर 14 एंड 15। हम अपनी रीडिंग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जस्ट अपना बैकग्राउंड देखा था कि हमने तमाम सेंस ऑर्गन्स को जस्ट क्विकली हमने उनको रीड किया था, उनको देखा था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। अब मैं आपको यहाँ पे हम डिटेल्स स्टडी करेंगे वन बाय वन सेंस ऑर्गन्स को। तो यहाँ पे देखिए, स्किन क्या है, आउटर कवरिंग होती है हमारी जो बॉडी है, हमारा पूरा जिस्म है वो स्किन से कवर हुआ हुआ है। और एवरेज मैन में जो एरिया होता है स्किन का वो नियरली 1.8 स्क्वायर मीटर्स होता है। स्किन की जो लेयर है वो हम देखते हैं तो डेड सेल से बनी हुई होती है। हम अक्सर औकात देखते हैं कि हमारी जो है स्किन फैक्ट होता है हमारी स्किन पे वो डेड सेल से बनी हुई होती है। समटाइम हम देखते हैं कि हमारी स्किन जो है वो खाल उतर रही होती है, हमारे सर में जो है वो डेंड्रफ होता है, ये सारे हमारे नेल्स जो है वो बड़े हुए होते हैं, वाइट पार्ट जो होता है हमारे नेल्स का, ये सब क्या चीज़ होती है, डेड सेल्स होती हैं। हमारी जो स्किन है वो डेड सेल से बनी हुई होती है। इनफैक्ट योर स्किन, हेयर, नेल्स एंड इवन द सरफेस ऑफ योर आईज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। यही बात अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखी हुई है जो आउटर लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है। दिस ह्यूज ऑर्गन डस मैनी जॉब्स, लेकिन ये जो हमारी स्किन होती है वो बहुत सी जॉब्स परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये हमारी स्किन जो है प्रोटेक्ट करती है मसल्स को, बोन्स को, लिगामेंट्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, जो कि डैमेजिंग से प्रोटेक्ट कर देती है। देखिए हमारी स्किन है तो हमारी स्किन क्या कर रही है, तमाम ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है और हमें जर्म्स फ्री भी रखती है। अच्छा, ये हमारी बॉडी क्या है, ये कंट्रोल, स्किन कंट्रोल कर रही है टेम्परेचर को, सनलाइट है, वाइटामिन डी है, वाइटामिन डी। देखिए हमारी, हम सनलाइट से क्या करते हैं, वाइटामिन डी को एब्जॉर्ब करते हैं। हमारी स्किन है, हमारी स्किन में जो है मेलानिन पिगमेंट मौजूद होता है। मेलानिन पिगमेंट क्या होता है, जो कि हमारी स्किन को स्किन कलर प्रोवाइड कर रहा होता है। आप देखिए, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, जिन्हें हम सूरजमुखी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा भूरे बच्चे होते हैं, उनके पास क्या होता है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होती है, लेकिन उनकी स्किन क्या कर रही होती है, उनके पास मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है। अगर वो डायरेक्ट सनलाइट में चले जाते हैं तो क्या होता है कि उनका डीएनए डैमेज हो जाता है, हमारी जो स्किन है, हमारा जो मेलानिन पिगमेंट है वो हमें जो है अल्ट्रावायलेट रेज से भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमारी स्किन इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है और ये सेंसिटिव टू टच है, टच के लिए है। इसके अलावा प्रेशर है हमारे पास, पेन है और हीट एंड कोल्ड है। अगर हम डायग्राम को देखें, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास डायग्राम मौजूद है, हम देखें तो हमें डायग्राम देखते हुए पता चल रहा है कि बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। स्किन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है जो कि मैनी पार्ट से बना हुआ है। इवन अगर हम इसमें देखें, मोस्ट स्किन जो है वो ओनली बिटवीन 1 एंड 2 mm थिक है, ठीक है हमारे पास देखें। लेकिन हम अगर अपनी देखें, हमारी बॉडी में जो सबसे थिन स्किन है वो हमारी क्या है, वो आईलेट, हमारी आंखों के ऊपर जो पपूटे होते हैं इनकी आप स्किन देखें, सबसे ज़्यादा थिन जो है वो ये होती है। और जो सबसे ज़्यादा थिक स्किन होती है हमारी बॉडी में, वो हमारे पाँव की एड़ी आप देखें, उसकी बहुत ज़्यादा मोटी जो है वो स्किन होती है। और हमारी आँख के ऊपर जो ये आईलेट्स होते हैं हमारी, इनकी सबसे ज़्यादा थिन होती है। ठीक है, आईलेट जो है वो वेरी थिन होती है, 0.5 mm होती है। अगर हम अपने सोल ऑफ द फीट देखें, वेयर इट गेट्स अ लॉट ऑफ वेयर, इट इज अबाउट 6 mm थिक। और स्किन अगर हम अपनी हथेली की देखें तो वो क्या, हमारी स्किन का जो सोल है वो क्या करता है, वो ग्रिप करता है, हेल्प करता है ग्रिप करने में। अब लेयर ऑफ द स्किन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखिए, ये हमारे पास डायग्राम मौजूद है पेज नंबर 15 पर। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे डायग्राम लेबल हुआ हुआ है, लेबल डायग्राम हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर ये देखिए, स्किन जो है वो सेवरल लेयर से बनी हुई होती है। जो आउटर मोस्ट टॉप लेयर होती है हमारे पास, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये डेड सेल से बनी होती है, फ्लैटेंड सेल्स हेल्ड टुगेदर टू मेक अ टफ वाटर प्रूफ कवर होती है। इसे ये देखिए, हमारी स्किन के ऊपर अगर वाटर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वाटर रिमूव हो जाता है। वैसे भी हमें स्वेटिंग्स वगैरह भी हो रही होती हैं। थ्रू आउट लाइफ दिस डेड सेल्स आर रब्ड ऑफ एंड न्यू सेल्स टेक देयर प्लेस फ्रॉम द लिविंग लेयर्स बीनीथ। हमारे यहाँ पे देखिए, जब हमारी स्किन से जो है वो हमारे जो डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव हो रहे होते हैं, तो उनकी जगह न्यू लेयर, न्यू स्किन भी हमारे पास आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, हम डेड स्किन की अगर मैं बात करूँ, फिनिश्ड अप एज डस्ट इन आर होम्स। हमारी देखें, होम्स में जो होती है डस्ट हो जाती है, उससे अगर हम उसको रब करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। जो लोअर स्किन होती है वो हमारे पास डर्मिस कहलाती है, और जो डर्मिस है वो स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स कंटेन होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और फैट्स होती हैं। हम अक्सर औकात देखते हैं कि हमें स्वेटिंग हो रही होती है, हमारी स्किन पर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, वो जो छोटे छोटे पोर्स हमारे स्किन पर मौजूद होते हैं वहाँ से क्या होती है, वहाँ पर स्वेटिंग ग्लैंड्स जो है, वहाँ पर स्वेटिंग हमें हो रही होती है, जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा
समटाइम हमने देखा है, समटाइम नहीं अक्सर औकात हम देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी स्किन बहुत ऑयली है, हमारी स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल रिमूव हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये स्किन का जो डर्मिस पार्ट होता है ये ऑयल के लिए भी होता है, यहाँ से ऑयल भी रिलीज हो रहा है और क्या है हमारे पास जो है स्वेटिंग हो रही है, ब्लड वेजल्स हमें अगर कोई कट लग जाता है तो यहाँ से हमारा ब्लड भी रिलीज होना शुरू हो जाता है, ब्लड खून बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो हमारी स्किन है यहाँ पर और फैट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, ये हमारे पास क्या होती है नर्व एंडिंग मौजूद होती हैं, सेंस करती है हमारी टच को, हमारी सेंस और डिटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। प्रेशर होता है, पेन होता है, टेम्परेचर होता है, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के थ्रू हमें पता चल जाती हैं। अदर नर्व एंडिंग्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, हमारी स्किन में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। बेटा रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि कोई भी स्टिमुलाई है हमारे पास अगर वो आके हमारी स्किन पे एक्ट करता है तो हमारे रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, हमारे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। आउटसाइड द वर्ल्ड हमारी दुनिया में देखिए बहुत सारी हमें कभी चोट लग जाती है, कभी हमें ठंड लग रही है, कभी हमें कभी हमें कुछ भी फील हो रहा है, आउटसाइड पे हमें कुछ भी फ्री हो रहा है तो फील हो रहा है, वो सब क्या होता है वो हमें रिसेप्टर्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में क्या सिस्टम चल रहा है। फिर उसके बाद देखें टच एंड प्रेशर है हमारे पास, अगर मैं पेज नंबर 15 में बात करूँ टच एंड प्रेशर की तो हमारे पास टच एंड प्रेशर क्या है, इन ह्यूमन देयर आर मोस्ट टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स इन द स्किन ऑफ द टंग एंड फिंगर टिप, हमारे पास हमारी फिंगर टिप्स पर मौजूद होते हैं और ये रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को कि आया वो ऑब्जेक्ट रफ है, स्मूथ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। जैसे ही हम किसी चीज़ को टच करते हैं, छूते हैं तो सबसे पहला हमारा ये होता है कि हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये चीज़ है क्या, वो चीज़ खुरदरी है, वो चीज़ सॉफ्ट है, नर्म है, मुलायम है या बहुत सख्त है, तो हमें सब पता चल जाता है। टच रिसेप्टर्स जो है वो अटैच होते हैं हेयर से, ऑब्जेक्ट ब्रशेस अगेंस्ट एनी ऑफ द हेयर्स ऑन द स्किन और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्टिमुलेटेड होते हैं। पेन हमारी बॉडी में देखें पेन क्या है, देखें यहाँ पर पेन रिसेप्टर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं स्किन में ओवर द स्किन, ये पाए जाते हैं टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में, जहाँ पे भी देखें अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए एक जो है बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अगर हमें कहीं पेन हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में निज़ाम बनाया है, कहीं पर भी हमें तकलीफ़ हो रही है तो वो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। अब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है, ये हमारे लिए इस तरीके से फ़ायदेमंद है कि कोई भी हमारी बॉडी में पेन हो रहा है तो ये हमारे लिए वार्निंग सिग्नल्स होता है कि कुछ ना कुछ बॉडी में ख़राब ज़रूर है, कोई ना कोई मसला बॉडी में ज़रूर है, कुछ ना कुछ रॉन्ग चल रहा है जिसकी वजह से हमें पेन हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, ये पेन जो है वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, फिर हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि हमें अपनी बॉडी के इस हिस्से में पेन हो रहा है। ये हमारे पास पेन है जो कि रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं वो हमें बताते हैं। फिर उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है, सेपरेट होता है, हमें जब गर्मी लगती है तब भी हमें अलग से पता चल जाता है हमें रिसेप्टर्स के थ्रू जो कि हमारी स्किन में मौजूद होते हैं, अगर हमें सर्दी लगती है तब भी हमें पता चल जाता है। ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर को चेंज, टेम्परेचर के बेसिकली ये टेम्परेचर को नहीं, ये बेसिकली टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो सर्दी ठंडा है या फिर गर्म है। हमारी फिंगर टिप्स होती हैं डिटेक्ट टेम्परेचर differences as small as, अब कितना small 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तक कितना छोटे से छोटा भी हमें जो है वो फील हो जाता है टेम्परेचर का। ये सारा जो हमने आज स्टडी किया ये हमारा स्किन से रिलेटेड था, स्किन जो हमारी सेंस ऑर्गन था उसको हमने डीपली स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टंग को कंटिन्यू करेंगे और अपना अपना लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।